बूढ़ी वाली अम्मा का नींद आएगी तुम्हें कहा था। अरे मारुति कार में I'm not afraid of the dark।
सबका बुरा हाल हो गया। उस लड़की की विदाई की गई। जब वो लड़की अपने ससुराल में पहुंची, दो चार महीना तो वह दुखिया के सही कटे। देवेंद्र सिंह चाचा जी, दो चार महीने तो ठीक कटे, लेकिन दो चार महीने के बाद अब तो उस लड़की के लिए उसके ससुराल वाले भरपेट भोजन नहीं देते, खाने को भोजन नहीं देते। अगर वो लड़की कुछ कहती, जानते क्या कहते हैं? क्या दे दिया तेरे पिता ने हमें, या क्या दिया तेरी माँ ने हमें? पैसा, पैसा तो बिल्कुल झांक करके भी नहीं निकलने देते हैं। आज दुखिया के लिए 5 रोज हो जाते हैं जब ससुराल में भोजन नहीं खाया। भूखी आत्मा कैसे बिलकती है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। आज बचपन की याद करके वो दुखी अब पपक पपक करके रोने लगी, सोचने लगी, बारे पिता तुमने मुझे ऐसे घर में डाला जिस घर में मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। आज आटा पर चढ़ करके वो दुखिया जाती है, एक कागज पड़ा हुआ मिल जाता है, उस कागज को उठा करके वो दुखिया लाती है। आज इतना भी पैसा नहीं था उस बहन पर कि एक स्याही अस्याही का पेन खरीद ले, उस पेन से अपनी मैया बबला को चिट्ठी डाल दे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उंगली को काट कर खून से अपने मैया को चिट्ठी लिखने लगी, माँ कैसे घर में तुमने मेरा विवाह किया। सब बनाती है तब तक आंखों से आंसू निकलता है, गिर पड़ता है, शब्द बिगड़ जाता है, उंगली में दर्द होता है, लेकिन फिर से कटी हुई अंगुली से और खून से लिख करके और रो करके बोली, माँ मैं तो लोगों यही कहूंगा, या तो भगवान इन धन वालों के लिए लड़का न दे, जो दहेज मांगने वाले हैं भगवान उनकी औलाद को लड़कियां बना दे। आज खून से पत्र लिखा और रो करके क्या बोली है वो लड़की, मैया मेरे पास एक पेन भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूं, इसलिए मैंने उंगली को काट कर खून से पत्र लिखा है। और रो करके जो दुखिया क्या बोली, अरे उंगली के खुनवा लिखूं चिट्ठिया, उंगली के खुनवा लिखूं चिट्ठिया, अरे मैया स्याही को तरसे तुम्हारी पिटिया, मैया स्याही को तरसे। Yeah।